हेलो गाइस, वीडियो शुरू हो रही है तो एक अपील, पूरी वीडियो देखना क्योंकि लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर करना है तुम सबसे। तो मिलते हैं लास्ट में, प्ले करते हैं। ओके, अगर पंजाबी फैमिली को कोई बिलोंग करना है तो सबको पता है कि एक कुछ कलेश होता है पंजाबी फैमिली में, है ना? आप चाहो या ना चाहो वो आ जाता है किसी ना किसी तरह। तो ये आप कुछ कलेश कहाँ देखते हो जब आपका, अभी मैं तो देखो सिर्फ 18 ईयर्स का हूँ, तो मैं तो अभी अपनी कॉलेज लाइफ और स्कूल लाइफ में हूँ, तो वो जो रिजल्ट होता है ना उसमें आपकी दिमाग का कुत्ते कलेश दिख जाता है। कैसे? देखो जैसे अगर आपका रिजल्ट आ जाए एकदम सेटिस्फैक्ट्री लेवल वाला, अच्छा आ गया, फिर तो भाई राजा बाबू बन जाओगे आप घर में। ऐसे अब जैसे मैं 3 रोटी खाता हूँ तो चौथी रोटी अपने आप आएगी मीठे समेत, मैं करूँ मम्मी नहीं नहीं मेरे को नहीं खाना है, वहाँ पे नहीं 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 खाएगा नहीं तो मार्क्स की में आएगा, अरे खाना। लेकिन जैसे ही आपके नंबर आ गए खराब भाई साहब, ये पलट जाता है, ये हाथ ऐसे हो जाता है। अब मैं 3 खाता हूँ रोटी, अब मैं 2 खा रहा हूँ और तीसरी के लिए करो जद्दोजहद, मम्मी वो 1 रोटी की करेगा खा के, सारे दिन पबजी खेलता रहता है, करते मेरे पास करो तुसी की करेगा खा के, 2 खा के बड़े डक लिया तुसी, आई आने तुहाडे नंबर दे दो ना यार, वैसे क्यों कर रहे हो, नहीं मिलेगी। और फिर जो भाषण शुरू होएगा उसके बाद आप सोच रहे हो यार ये वो रोटी तवे पे जल चुकी है, अब वो रोटी आए ना आए डकार अपने आप आ जाता है, बस हाजमा मेरा खराब हो जाएगा अगर मैंने खा लिया। एक और गुत कलेश हुआ, एक्चुअली मैं ना सिंगल चाइल्ड हूँ घर पे, है ना? तो जब आप सिंगल चाइल्ड होते हो ना तो माँ बाप आपको जजमेंटल बना देंगे, जैसे कि अगर एक अगर भाई बहन हो, आई एम श्योर कईयों के होंगे, तो फिर क्या होता है एक मम्मी के साइड एक बाप के साइड, खत्म एक दिन में ही सारा सलटारा। लेकिन फिर वो जो रोना होता है ना, वो जब एक बंदा हो तो वो लंबा चल जाता है। फिर क्या होता है, फिर आपको जब मैंने गोरे तू ही दस है ना दी गलती, हाँ मेरी तो कोई गलती होती नहीं है तुम्हारी वजह से, तो मई मैं करूँ भाई तुम्हारा चल रहा है मेरे को क्यों बीच में बात कर, ठीक है मैं बता दूँ। अब मैंने साइड ले ली पापा की, जो कि बहुत रेयर होता है क्योंकि मम्मी को तो आपके सारे सीक्रेट पता होते हैं। अब जैसे ही मैंने पापा की साइड ले ली, फिर तू आई मैं तेन दसांगी हूँ तो तू प्यो की जड़ी साइड ले रहे, मैं कहूँ मम्मी यार, फिर मेरी मम्मी का ना हिंदुस्तानी भाऊ अंदर से आ जाता है, जानते हैं हिंदुस्तानी भाऊ सब जानते हैं, निकल गोरे पहली फुर्सत से निकल घर चो हंदा रोटी मार दिया दी बोल दा बोली प्यो दी हट फादर भगत। तो मैं सोचता यार मेरी क्या गलती थी, और वहाँ पे ये हुआ वर्ल्ड कप के दिन धोनी रन आउट सब खत्म एज यूजुअल भी हो लो। और फिर एक तो यार ये तुम इतनी शायरी लिख रहे हो प्यार मोहब्बत इतनी कॉम्प्लिकेटेड है तो रहन दो, फिर क्या करना है करके रहन दो इतना कर लो तो फिर उसको लिखना पड़ता है भाई साहब, इतने अपने अपने क्या अपनी शक्ल अपने को पता कोई भाव तो देने वाली नहीं है, रहन देते हैं क्या सिंगल ही मरेंगे और क्या। और एक तो अब रिजल्ट्स की बात हो रही है तो रिश्तेदारों की बात कौन करेगा, हम ही करेंगे। रिश्तेदारों का ना ये होता है वो पूरा दिवाली होली लोहड़ी ये सब का एक दिन के अंदर एल लगाने के लिए आ जाते हैं, वो कहते हैं कि हम एक ही दिन आएंगे ना बाकी सारा साल निकाल ले जैसे मस्ती एकदम को, अपने आप फोन आ जाए हाजी तुम्हारे बेटे का रिजल्ट किवें आया है। अब मम्मी पापा को मेरे ना 85% आए थे फोर मतलब कि 12वीं में, ठीक है देखो अच्छे होते हैं माड़े नहीं होते, लेकिन फिर वो मेरे दोस्त के शर्मा जी के तो फिर 95 ले आए, उधर तो 95 आए तेरे 85 से आए हैं। रिश्तेदारों का ऐसा होता है वो लोग ना अपने इंडियन रोड्स पे आजकल आप सबको पता है उखाड़ के रखे पड़े हैं, है ना, टेंडर इन्होंने टेंडर लिया होता है घर में ये सब करने का, उखाड़ के तो चले जाते हैं वो, फिर मिट्टी हमें ही डालनी पड़ती है, है? हम आते हैं। अब वो इन रिश्तेदारों का ऐसा होता है एक जेब में तो टाटा सोल्ट होता है, यहाँ पे MDH की देगी मिर्च, और पूछने आते हैं आपका कहीं कटा है क्या, लीजिए तीखा था जलना चाहिए अब रो क्यों नहीं रहे जलना चाहिए, है ना जलना चाहिए। उसके बाद आते हैं अच्छा धन्यवाद धन्यवाद, ये भी आपसे ही अभी शब्द सीखा मैंने अब स्कूल क्रश की बात कर लेते हैं, मेरा कोई ठीक है था यार अब कोई बात नहीं सबका होता है बताता कोई नहीं है, तो यही है मैं कुछ पर मैं शायर नहीं बना, पर मैंने ना इतनी कॉम्प्लिकेटेड में गया नहीं, मैं समझ गया ये सर्कल ऐसे घूमता है, जब आपको पहली बार होता है फिर तो ऐसे होता है गाने निकलते हैं मैं तेरे प्यार में पागल, लेकिन जब वो खत्म हो जाता है वो सर्कल ये लड़की पागल है ये होता है। सुना वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है क्या होगी, अभी वो मीडिया में तो चल रहा है। अच्छा अपने इंडिया के जो पत्रकार है ना भाई साहब, अगर कुत्ते ने आदमी को खाया तो वो कोई न्यूज़ है बिल्कुल नहीं है, आदमी ने कुत्ते को खा लिया ये दुनिया की सबसे बड़ी टॉप रैंक हो रही होगी न्यूज़। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी है तो वो लाइक कर दो, और वो जो लाल रंग का बटन है यहाँ पे सब्सक्राइब का उसे दबा दो अगर पहली बार आए हो चैनल पे, और कमेंट करना कैसा लगा
अब वो ज़रूरी सूचना जो देनी थी यही अब तक जितनी भी वीडियोस आई उनको जिन्होंने शेयर किया सपोर्ट किया उनके थैंक्स जिन्होंने भी अब तक कमेंट्स किए लाइक किए थैंक यू। लेकिन अब कुछ समय बाद ही आएगी वीडियोस एज़ यूजुअल यू नो कि एग्ज़ाम्स अहेड तो है ना ये भी ज़रूरी है तो वीडियोस भी आएंगी लेकिन कुछ टाइम बाद आएगी। बाकी आई विल ट्राई एंड मेक श्योर कि क्वालिटी कंटेंट आए आगे और बढ़िया तो बाकी तो अपने कर ही रहे हैं है ना।